BS4 इंजन के क्लस्टर में पैरामीटर देखने के तरीके। क्लस्टर को ऑन करने के बाद चाबी से ऑन करने के बाद ये वाली स्क्रीन दिखेगी। इसमें यहाँ पे आपको RPM दिखाएंगे, ये कूलेंट टेम्परेचर, ये इंजन ऑयल प्रेशर, ये घंटे इंजन के कितने रनिंग आवर हुए। इसके बाद स्क्रोल का बटन दबाएंगे, तीसरा नंबर वाला हल्का सा दबाना है इसको। इधर बैटरी का वोल्टेज बताएगा, इधर यूरिया का लेवल बताएगा, आपके यूरिया टैंक में कितना यूरिया है, ऑयल टेम्परेचर बताएगा, और ये फ्यूल लेवल सेंसर गेज बताएगा अगर फ्यूल में आपका गेज लगा हुआ है तो। फिर एक बार और दबाएंगे तो यहाँ पर अगर कोई एरर कोड आ रहा है तो वो एरर कोड का नंबर बताएगा। अगर कोई आपकी मशीन में दिक्कत आ रही है तो इसमें एरर कोड नोट करके हमें इन्फॉर्म करना है। फिर दूसरी स्क्रीन पे एक और एरर कोड दिखाएगा, अगर ये भी यहाँ पे भी कोई एरर कोड दिखा रहा है तो इसको भी हमारे को मैसेज करना है। ठीक है जी, ओके जी, फिर फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। इस तों बाद भी जेकर किसान नूं किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम होंदी है इंजन के रिगार्डिंग, तो वो एक टोल फ्री नंबर दिता होया जी 1800 419 1921 कॉल करके अपनी परेशानी दस सकता है तो दूर करवा सकता है।